हमारे पास कॉक्सकॉम का है, उसके बाद एक और ये कॉक्सकॉम का है जिसका हमने हेड तोड़ दिया था, और नीचे देखिए अच्छे से ब्रांचेज आ रही है इसमें भी। और इसके अलावा ये हमारे पास सीड से ग्रो किया हुआ शरीफे का पौधा है जो कि आंधी की वजह से पूरा देखिए टूट गया था, सूख गया था आंधी की क्या धूप की वजह से मान लीजिए। और देखिए उसमें भी ये देखिए नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो रही है, यानी कि इसमें पत्तियाँ फूटना स्टार्ट हो रही हैं। उसके अलावा ये हमने पपीते का प्लांट हमने रिपोर्ट किया था, वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, देखिए नई नई पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो रही हैं इसमें भी। ये हमारा कड़ी पत्ते का है, वो भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, लेकिन इसका भी हमें हेड तोड़ना है, लेकिन अभी हम नहीं तोड़ेंगे, हम इसको 2 से 3 दिन के बाद तोड़ेंगे, क्योंकि हम हेड तोड़ेंगे तो ये पत्तियाँ हमारे किचन में यूज़ हो जाएंगी। तो किसी भी चीज़ को हम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादातर हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास मोर पंखी है देखिए, जो हम लेके आए थे, वो भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की ब्रांच भी देखिए बहुत मोटी है, इसको हम रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसकी गुड़ाई कर देंगे तो इसका बेहतर रिज़ल्ट हमको मिलेगा। और ये देखिए बुगेनवेलिया है जो कि कटिंग से ग्रो किया हुआ था, अब बारिश हो रही है तो इसका ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, और ये इसकी स्टेम बहुत लंबी जा रही थी तो हम ज़्यादातर इस तरह से इसको टिका देते हैं ताकि स्टेम सीधी रहे, क्योंकि बुगेनवेलिया का प्लांट हमको ये वाला घर के बाहर लगाना है तो बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं, जब इसका जो है गुच्छा गुच्छा फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए बैंगन का पौधा है हमारे पास जो कि धूप से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन नेट के जो आंधी आई थी ना जिसकी वजह से मेरी ग्रीन नेट बहुत ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, तो इस तरह से उसके रेशे ना हवा से पेड़ों में इधर उधर फंस जाते हैं, कटिंग कर देते हैं उसके बाद भी फिर निकल आते हैं देखिए इस तरह से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ग्रीन नेट हमारी ख़राब निकल जाती है, या तो फिर ख़राब एक रेशा भी बीच का अगर टूट जाता है ना तो वो ख़राब हो जाती है। और ये देखिए ये भी मनी प्लांट मेरा धूप की मार खाया हुआ है, लेकिन हाँ इसमें नीचे से देखिए नई ग्रोथ आ रही है तो वो बहुत अच्छी आ रही है, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग जो आजकल सीज़न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी पत्तियाँ निकलेंगी अब जब निकलेंगी इसमें तो। और इसमें हमने तुरई के सीड बो दिए हैं क्योंकि जो एक प्लांट हमारा तुरई का निकला था वो सूख गया था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ चल रही थी, 5-6 दिन बहुत ज़्यादा धूप रही, हालांकि सेमी शेड एरिया हम करे रहते हैं, नेट हम डल लगाए रहते हैं, उसके बाद भी धूप का असर ज़्यादा हुआ है तो उसकी वजह से हमारा प्लांट सूख गया, लेकिन उसको हटाने के बाद हमने इसमें और सीड लगा दी, कम से कम 5 या 6 सीड इसमें हमने लगाई है, जिसका रिज़ल्ट हम आपके साथ शॉर्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। ये हमारे पास लोबिया का पौधा है जो कि हाइब्रिड क्वालिटी में, लोबिया की आपने देखा होगा बेल जाती है यानी क्रीपर में होता है, लेकिन ये हाइब्रिड में है, ये छोटे पौधे में ही फल आएंगे। देखिए स्टेम की कंडीशन क्या होती है जो कि हाइब्रिड होती है, इसी में देखिएगा धीरे धीरे फ्रूटिंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे पास इसमें के 4 पौधे हैं, 1, 2, 3 पौधे हैं मेरे पास, चौथा सूख गया है। और आपको एक पौधे में दिखा रही हूँ, देखिए घुमा के मैं देखेंगे, गौर से देखिएगा, ये पौधे की कटिंग हो गई थी यानी यहाँ से ये टूट गया था, ये देखिए यहाँ से टूट गया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए इसकी ये स्टेम अच्छे से ग्रो कर रही है और इसमें भी पत्तियाँ आ रही हैं, यानी कि हमारे जो तीनों पौधे हैं बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं और इसमें जल्दी फ्रूटिंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी। हालाँकि इसमें हमें स्टेम लगानी है, वो हम जब लगाएंगे तो उसका भी वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। और एक बैंगन का पौधा हमारे पास ये भी है जिसमें कि अभी तक कोई भी बैंगन नहीं आया, बस फूल आते हैं। और बैंगन क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें फ्रूटिंग इसलिए नहीं बन रही है, क्योंकि बैंगन आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है ना तब बैंगन में फल नहीं आते हैं। तो देखिए अभी जो है देख रहे होंगे आप थोड़े थोड़े से वाइट फंग कीड़े ऐसे भूंगे भूंगे से लग रहे हैं, तो वो भी है, इसमें हम नीम ऑयल डालेंगे ना तो वो भी सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े कीड़े आ जाते हैं, ये नॉर्मल है, बैंगन के पौधे में ज़रूर आते हैं, इसके लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे वो बेहतर रहेगा। मम्मी ये हमारे पास पत्ता गोभी का पौधा है जो कि बहुत ज़्यादा ठिठुर गया है, अब इसमें कोई भी लगता नहीं है कि गोभी बनेगी क्योंकि ये नहीं निकल रहा है, ये बस देखिए इस तरह से बस ये है, इससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो किसी टाइम इसको भी हम हटा के ये हमारा गमला खाली कर लेंगे और इसमें नया कुछ लगाएंगे, तो वो भी हम जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। और बात हम करें तो देखिए छोटा सा हमारे पास ये भी है एलोवेरा निकल आएगा, ये भी एलोवेरा कभी भी मुरझाता नहीं है, वो जल्दी ग्रो करने लगता है, बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और ये भी हमारा देखिए रसगुल्ले के डिब्बे जो होते हैं उसमें हमने ये लगाया हुआ है, ये थाई चीकू का प्लांट है जो कि हमने ऑनलाइन मंगाया था, इसका जब ये आया था
जब ये आया था पौधा तो बस इतना छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था। अब इसकी ग्रोथ देखिए इतनी बड़ी हो गई है और ऊपर से अपने आप इसमें ब्रांचेस देखिए इस तरह से साइड से निकल रही हैं। हालांकि ये एयर लेयरिंग से तैयार नहीं है, ये हमारा सीड से ही तैयार किया हुआ पौधा है। ऑनलाइन पौधे बहुत ही कम होता है जो ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग से तैयार आते हैं। और ये स्नेक प्लांट है जो कि ये भी निकल रहा है, हमने रोड साइड से लिया था, इसका वीडियो भी शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था, ये भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। और ये देखिए हमारे पास जामुन का पौधा है जो कि सीड से ग्रो किया हुआ है ये वाला। और चलिए हम आगे और भी पौधे आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास है शरीफे का पौधा, ये भी सीड से ग्रो किया हुआ है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। पेड़ पौधे देखिए कितने अच्छे से, हवा अच्छी चल रही है, ठंडी हवा है, बादल गरज रहे हैं। ये देखिए ये हमारे पास शरीफे का पौधा है ना, ये भी हमारे पास सीड से ग्रो किया हुआ है और देखिए कितने छोटे से गमले में लगा है। यहाँ से हमने इसकी ग्राफ्टिंग की थी जो कि ग्राफ्टिंग सफल नहीं हुई थी, ख़राब हो गई थी, तो हमने ये प्लांट को हटा दिया था किनारे, इसको मैंने बिल्कुल हटा दिया था, कहीं से पत्तियाँ नहीं निकल रही थी। लेकिन कुछ दिन के बाद इसमें देखिए इस तरह से पत्तियाँ निकलने स्टार्ट हो गई और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी आई हुई है, पूरा घना पौधा है ये। उसके बाद एक हमारे पास ये है अनार का पौधा, ये भी एयर लेयरिंग से तैयार है लेकिन आजकल पत्तियाँ बड़ी ठिठुरी से आ रही हैं। ये देखिए जितने भी पौधे हैं सभी में पत्तियाँ इसी तरह से आ रही हैं। ये है हमारे पास तीसरा अनार का पौधा, इसकी भी पत्तियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से आ रही हैं, लेकिन इसमें फ्रूटिंग भी जल्दी आएगी क्योंकि ये एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है। और एक फूल आए थे कि हमने लिए नहीं थे, निकाल दिए, हटा दिए थे। तो ये देखिए एप्पल बेर का पौधा है, इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है क्योंकि इधर वाल मौसम बहुत ख़राब था, इस वजह से पत्तियां जो है जली जली सी हो रही थी और सूख के झड़ गई थी सारी पत्तियां। ये देखिए झड़ गई थी सब, इसी में किनारे लगा दी थी। और ये जो है यहाँ से ये देखिए इस तरह से ये नई स्टेम निकल रही थी जो कि हमने तोड़ के इसमें ऐसे ही लगा दिया। और ये नई ग्रोथ आ रही थी जहाँ पे ग्राफ्टिंग है वहाँ से आ रही थी, तो उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो ख़राब हो जाएगा हमारा पूरा प्लांट, तो वो हटा दिया है। और ये क्लिप की मदद से हम इस तरह से स्टेम को रखे हुए हैं ताकि सीधी बनी रहे, स्टेम लंबी थी तो गिरी जा रही थी। ये देखिए ये भी मनोकामनी का पौधा है जो कि कितना ठिठुरा हो रहा है, बिल्कुल इसकी पत्तियां डल हो रही हैं। हालांकि सुबह हमने पानी दिया था और पानी इसमें गमले में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। और पानी जब हमने दिया था बिल्कुल गीली मिट्टी हो गई थी, यानी कि इसमें हम दोबारा मिट्टी बना के दूसरी डालेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी, तो हम जल्दी वो काम भी करेंगे। और उसके अलावा देखिए ये हमारे पास है जो कि सीड से ग्रो किए हुए पौधे हैं सदाबहार के, और इसमें अभी तक के कहीं पे भी कोई कलियां नहीं आई, अभी फूल कोई भी नहीं खिले हैं, तो इनको हम ऐसे ही लगा रहने देंगे और छोटे गमले में हम इसको रिपोर्ट कर देंगे क्योंकि सदाबहार भी परमानेंट प्लांट होता है, उसमें हमेशा फूल आते रहते हैं जिससे कि पॉलिनेटर्स आकर्षित होते हैं और आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर्स आते हैं। उसके अलावा देखिए अंजीर का पौधा है, अंजीर के पौधे में अंजीर जो स्टार्टिंग में निकली थी वो निकली थी, उसके अलावा देखिए नीचे से एक नई स्टेम निकल के नीचे से ये देखिए स्टेम निकल रही है, अंजीर की नई ग्रोथ आ रही है। और ये हमारे पास ये बीज डाली थी संतरे की, उसको देखिए वो देखिए किस तरह से ग्रो हो रही है, ये भी हम बारिश के सीज़न में इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। एक अनार अंजीर का पौधा एक ये हमारे पास और है, पीछे देखिए ये पौधा हमारा निकल रहा है, इसको हटा दें पहले हम। ये चिलबिल का पौधे बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं, हवा जब चलती है तो चिलबिल इधर से उधर फैल जाती है। और ये देखिए हमारे पास चीकू का पौधा एक है, ये देखिए ये हमने ऑनलाइन मंगाया था, ये वो पौधा है और ऑनलाइन मंगाया था तो ये थाई चीकू का बताया था जो कि लंबा वाला ऑरेंज कलर से कटिंग करने पे, आपने देखा होगा ऑनलाइन ऑरेंज कलर का होता है, कटिंग करो तो उसके अंदर ऑरेंज कलर होता है और थाई चीकू बोलते हैं उसको भी। ये देखिए ये प्लांट तो उसी का है, हालांकि ग्राफ्टेड नहीं है, लग रहा था ये सीड से ग्रो किया हुआ है। और बाकी देखते हैं अब इसकी ग्रोथ हो रही है तो देखते हैं, अगर एयर लेयरिंग से तैयार होगा तो इसमें फ्रूटिंग भी या फ्लावर वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये हमारा जो कि हम राजस्थान से लेके आए थे चीकू का पौधा, ये वो है ग्राफ्टेड है और इसके नीचे की पत्तियाँ तो उसी तरह से जो हम लाए थे वही पत्तियाँ हैं, नई पत्तियाँ नहीं निकली हैं, लेकिन ऊपर की पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये देखिए यहाँ पे से पत्तियों की जो पहले हमारे जो ये कलियाँ निकली थी वो सब ख़राब हो गई थी, अब ये नई कलियाँ निकली हैं और साथ में ये देखिए नई पत्तियाँ निकल रही हैं और नई कलियाँ निकल रही हैं। अब देखते हैं इसमें फ्रूटिंग रुकती है कि नहीं रुकती है, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, बारिश का सीज़न आ रहा है, तो हो सकता हो फ्रूटिंग इसमें लगने लगे, यानी फ्रूट इसमें रुकने लगेगा, तो बेहतर रिज़ल्ट आपको हम ज़रूर शेयर करेंगे। और ये देखिए ये हमारे
प्लांट में एक पेड़ निकल आया बथुए का, तो खैर इसको भी हटा देंगे किसी टाइम हम। और ये देखिए गोभी के बारे में हमने बताया था, दो पौधे हैं और दोनों ही कुछ समझ में नहीं आ रही, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ये बस ऐसे ही बने हैं। दोनों ही को हम जल्दी हटा देंगे। उसके बाद ये हमारा सीड से ग्रो किया हुआ अमरूद का पौधा है, जो कि अब पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी निकल रही हैं, क्योंकि अभी मौसम आप देख रहे हैं सब मौसम के वजह से इस तरह से पेड़ हो रहे हैं। पत्तियाँ छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बढ़ रही नहीं है, लेकिन हाँ मौसम बदल रहा है, बारिश का सीज़न आ रहा है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी इसमें बढ़त भी आएगी, बढ़ेगा बहुत जल्दी।